उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर की हत्या के मामले में परिजनों ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग। आजमनगर कटिहार, बीते जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर अजीत कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा दो अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाना कटिहार में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। परिजनों के अनुसार नगर थाना कटिहार पुलिस के द्वारा लगातार उक्त मामले में अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर मृतक अजीत कुमार के ससुराल वालों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कटिहार के युवा जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कटिहार पुलिस द्वारा लगातार अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिवार के बातों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान व पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत मैनेजर की हत्या मामले को लेकर अवगत कराया गया है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान व अन्य पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आजमनगर प्रखंड अंतर्गत जोकर पंचायत पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पार्टी के सभी लोगों ने मृत अजीत कुमार के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर बारीकी से पुलिस को पहल करनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, प्रदेश संगठन मंत्री रविन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष विभूति भूषण पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भगत, प्रदेश सचिव योगेंद्र शाह, युवा जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, सुदर्शन सिंह एवं जिला अध्यक्ष कटिहार संगीता कुमारी आदि सहित कई अन्य मौके पर मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पर प्रदेश से हमारी टीम जो है जांच कमेटी के लिए बारसोई घटना स्थल पर भी पहुंची थी, और युवा जिला अध्यक्ष के जीजा जी की जो हत्या हुई थी, जो मैनेजर थे के पोस्ट पर थे बैंक में, तो उस घटना को लेकर आज उनके पास पहुंचे हैं। और हमारी पार्टी की पूरी संवेदना उनके साथ है। जिस तरह उनके साथ हुआ है, ये हत्या हुई है उनकी, इनका आरोप है दीपक जी का, लेकिन इस पर प्रशासन जो है सख्ती से पेश नहीं आ रही है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, रफा दफा करना चाहते हैं केस को। तो हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और आगे उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करेंगे। और दो नाम जज जिनको दिए हैं, अभी तक पुलिस उसको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी नहीं की है, इसलिए जो है आगे हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। हमारी पार्टी इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अभी तक जो है पुलिस प्रशासन एकदम शांत बैठी हुई है, और इस केस में जहां कार्रवाई करनी चाहिए पूरी तरह से, वहां चुप बैठी हुई है। और हमारी पार्टी जो है इस पर पूरा संज्ञान में ले रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के संज्ञान में इस बात पहुँच गई है। और आगे हम लोग जो है एसपी डीएसपी जो भी हैं सबसे हम लोग आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर लेटर लिखेंगे और पूरा मांग करेंगे, जांच का मांग करेंगे। मेरा नाम संगीता देवी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिला अध्यक्ष कटिहार। लेकिन वहां के प्रशासन दूसरे तरफ मोड़ रहा है, ये थाना में केस किए और सदर डीएसपी का कहना है कि ये सोसाइट है, सरकार बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रही है। न्याय दिलाना तो है नहीं नीतीश कुमार के सरकार में किसी अफसर को, सिर्फ फंसाना है। अब जिसके बेटा मरे हैं, जिसके पति मरे हैं, जिसके जीजा मरे हैं, उनसे जाके पूछना चाहिए कि उसके घर में क्या मातम छाया हुआ है। हम घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं दीपक जी ने जो नेम डिफाइड किया है उस पर त्वरित कार्रवाई कर दोषी को अविलंब गिरफ्तार करे जिला प्रशासन, और कड़ी से कड़ी सजा दे। और पीड़ित परिवार का कहना है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा हो। हम मांग करते हैं यह जिला प्रशासन से, सरकार से, कि निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी को फांसी का सजा हो, यह मांग करते हैं। अगर सर ये प्रशासन, जिला प्रशासन दूसरी तरफ इस घटना को मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। इसका संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मेरा जीजा जी अजीत कुमार बैंक मैनेजर में थे और उसकी हत्या कर दी गई है। जो उसके साथ में राहुल कुमार और मनीष कुमार आए हुए थे, और हम लोग जब खोजते गए तो देखे हत्या कर दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन को कॉल किए आया,
और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजे। 22 तारीख से आज तक कुछ नहीं हो पाया, तब हम चिराग सर को सूचना दिए, वो अपना टीम गठन करके आज मेरे घर पे आए हुए थे, प्रधान महासचिव संजय पासवान सर जी और श्री संगीता मैडम जी और अन्य व्यक्ति भी आए हुए थे। हम लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं और संजय पासवान सर जो प्रधान महासचिव है आश्वासन दिए हैं CBI भी जांच होगा और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं CBI जांच हो और ऊंची कार्रवाई की जाए। दीपक कुमार सिंह, युवा जिला अध्यक्ष, कटिहार। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी, विजिट माई शॉप NS31 कुर्सेला ने बालाजी धर्मकांटा।